अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो भाई आज मेरा अपॉइंटमेंट है बायोफ्लेक्स एस्थेटिक्स पे, जो कि जो है वो काफ़ी टाइम से मेरे दो ट्रीटमेंट चल रहे हैं, लेकिन आज मैं आपको एक नया ट्रीटमेंट दिखाऊंगी जो कि मेरे लिए नहीं है, लेकिन मैं आप लोग को दिखाऊँगी आगे जाके। और उसके अलावा आज हमारा लेज़र का ट्रीटमेंट नहीं है, लेज़र का करवाना था क्योंकि इट्स बीन अ वेरी लॉन्ग टाइम, लेकिन जो है वो एक साथ इतनी सारी जो है वो अपॉइंटमेंट बुक हो नहीं पा रही थी। तो हमने क्या किया कि हमने सोचा कि हम ग्लो का इस वीक करवा लेते हैं और लेज़र नेक्स्ट वीक करवा लेंगे। तो जो है अब ग्लो मैंने एक सेशन ले लिया था, उसके बाद मेरा 3 महीने का गैप आ चुका है ग्लो में, क्योंकि जो है वो टाइम ही नहीं मिल पा रहा था, कंटिन्यूसली शूट चल रहे थे और उसके अलावा जो है पेपर से स्टार्ट हो गए थे, फाइनल मैंने अभी दिए हैं, तो अब मुझे थोड़ा टाइम मिला है। तो मैंने कहा चलो भाई अपने ऊपर थोड़ा सा बंदा मेहनत कर लेता है, क्योंकि हैवी लाइट्स फेस करनी पड़ती हैं, चारों साइड से लाइट्स ही लाइट्स होते हैं, जिसकी वजह से फेस पर जो है वो डलनेस आ जाती है और जो है वो सनबर्न भी हो जाता है, क्योंकि दिन में ही बाहर निकलना होता है, क्योंकि यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ऑब्वियसली। तो जो है वो हम चलते हैं बायोफ्लेक्स एस्थेटिक्स पे और फिर वहाँ चल के मैं आपको बताती हूँ दूसरे ट्रीटमेंट का भी और ग्लो का भी आज आपको डिटेल में बताएंगे। इधर दिखाएं अपने बाल, ये ना अभी से गंजे हो रहे हैं, जवानी में गंजे हो रहे हैं, इसलिए ये गंजे ना हो रहे हैं जवानी में, इसलिए मैंने यहाँ लेकर आई हूँ ट्रीटमेंट के लिए। एक्चुअली मैं दूसरा ट्रीटमेंट किस चीज़ का, उनको डर है गंजे का, क्या करूँगी मैं गंजे के सर पर बाल तो होते चाहिए ना, मोहब्बत चाहिए बालों में, क्या रहा बालों में ही सब रखा, अभी कभी आपको आप मैं गंजी हो जाऊँ फिर मैं आपसे पूछूंगी अब करने में मोहब्बत गंदी होती कि नहीं है, हमेशा मत तो गंदा करती है, हो गया स्क्रिप्ट है स्क्रिप्ट है। गंजे अभी 23 साल के हैं और इनके बाल उड़ने लग गए हैं, तो जो 40 साल में जाके इनका क्या होगा, एक साल में ही हो गया है दिन के बाल नहीं होते, उनके पतौला होती है। हाँ क्या 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 दिन के बाल नहीं होते, उनकी पतौला होती है, कहाँ है छुपा के अंधा पैसा, अंधा पैसा, अंधा पैसा दिखता नहीं है, वी आर जस्ट किडिंग, टाइम पास कर रहे हैं यार, हमारी बारी नहीं आ रही है, 5 बजे का अपॉइंटमेंट था, ये पब्लिक हेल्थ ले लेगी, हमारी बारी नहीं आ रही है, बारी सिर्फ ट्रीटमेंट की नहीं आ रही है, आपको हक है आप इनको गालियां बके मैं भी तो दूंगा आप इतना तैयार होके क्यों आए? तैयार कब हो? घर के कपड़े पहन कर आया हैं? ये घर के कपड़े? अच्छा अभी आपके जो है सरों में इतनी सारी सुइयां लगेंगी, आपको पता है इस बात का? पता है तो आपको कैसा फील हो रहा है? मुझे तो ही फील नहीं हो रहा, आपको दर्द नहीं होता ना, आप मर्द है ना, इनका कहना है कि मर्द को दर्द नहीं होता, ये हम जब ब्लॉग बनाएंगे ना तब पता चलेगा अगर आपके मुँह पर जरा सा भी रिएक्शन आया दर्द का, इनका ना रिवर्स प्रोसेस हो गया, यहाँ के बाल इनके यहाँ उगने लगते हैं, क्या यहाँ पे भी होना जरूरी है वरना फिर चिकनी वाइब्स आती ये पहले चिकने हुआ करते थे, फिर इनको सब कहते थे चिकने चिकने, मैंने मूछें रखवा दी चिकना मैं आज भी अंदर की बात नहीं बताए आपके गिरबान के बटन क्यों खुले हैं, बंद करें
बटन बंद करें, बटन बंद करें, बटन बंद करें। मेरा बटन एक और खोल लिया, बदतमीज। छोटे बच्चे व्लॉग्स देखेंगे तो वो क्या सोचेंगे, किस तरह की आप उन्हें नॉलेज दे रहे हैं। नॉलेज तो वैसे मेरे व्लॉग से किसी को लेकिन बटन बंद करें, बटन बंद करें। गुड बॉय के व्लॉग के लिए गाइस। आपको पता है मैं ना टाइम पास कर रही हूँ आपके साथ, पता है आपको, पता है। अच्छा यहाँ पे खाली इनसे बोले मतलब नहीं समझा आप लोग, समझने की जरूरत ही नहीं है। रहने जाने का सीन है रहा है कर ले हो नहीं पता, आपकी आवाज़ भी इतना सही से नहीं आ रही होगी क्योंकि देखिए मेरा मुंह तो करीब है तो मेरी आवाज़ तो प्रॉपर आ रही है, आपका मुंह इतना दूर है। आवाम को मेरी शक्ल देख के रिएक्शन पता चलेंगे। अच्छा सही है, देखते हैं एडिटिंग के बाद। आर यू एक्साइटेड? क्या बोला आपने? इंजेक्शन लगवाने के लिए, इंजेक्शन लगवाने के लिए एक्साइटेड है आप? बिल्कुल ठंड नहीं कर रहे, बिल्कुल ठंड नहीं। अच्छा आपने अपना गंज बन तो दिखा गंजे आगे से अच्छे है, इनके बाल ना पीछे से जा रहे हैं यहाँ से, ये एरिया जो है ना इनका, ये एरिया हल्का, जबकि ये एरिया इतना हल्का था नहीं पहले, ये अभी हुआ है जब से विटामिन डी की कमी हुई है ना, ये पूरा खत्म हो गया है। अब तो इनकी दवाइयाँ चल रही है ना, वो ले रहे हैं। हाँ हाँ पूरी चार वीक्स हो गया है, अब कल पांचवा दे रहे ये बात नहीं मिला मेरे को बता रही नहीं। अम्मी प्यार से नहीं मारती है, अम्मी बहुत अम्मी एकदम सोल्जर तैयार किया अम्मी ने। नहीं आप कह रहे थे ना कि आपको दर्द दर्द हो रहा है, आपके पूरे सर में छोटी छोटी जगहों पर नीडल्स जो है वो इन करेंगे और ये पूरा प्रॉपर व्लॉग बन रहा है। अच्छा तो मैं क्या बता रही थी कि आपके जो है वो निडल्स इस तरह से लगेंगे कि ये पूरा जो ट्रीटमेंट होता है ना, या आपका ही ब्लड निकलेगा उसके अंदर, वो लोग कुछ ऐड करते हैं और मुझे नहीं पता वो क्या होता है और अगर कुछ हो गया अच्छा नहीं अच्छा हाँ उमर को बोल रहे मुझे तो उसने कहा था। अच्छा खैर इनके जो है वो ब्लड निकलेगा आपका, उसी के अंदर से आपको जो है वो कुछ लगा डालेंगे उसके अंदर मिक्सर के, और आपके ही ब्लड से आपका ट्रीटमेंट होगा, तो इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है इसके, सही है। तो आप तैयार है ना? मैं आपका पूरा ट्रीटमेंट लूंगी, आपके एक एक रिएक्शन लूंगी, सुइयां लगते हुए एक एक रिएक्शन लूंगी, मैं चाहती हूँ आपको दर्द हो। आप सब डर जाएंगे थोड़ी देर में देखे मैं हूँ ना, मैं आप लोगों को बिल्कुल गलत गाइड नहीं करूंगा, ऑनेस्ट रिव्यू दूंगा आपको। आज आपको फायदा हुआ इनके व्लॉग में, ऑनेस्ट रिव्यू मिलेंगे। कोई नहीं पब्लिक आ रही है, हम दोनों के अंदर कुछ
कॉमन होना हो या कॉम्पिटिशन होना हो, लेकिन एक चीज का बहुत ही देखें ये, और उसके बाद स्नैप भी बनाइएगा इसकी इंस्टा पे लगाने के लिए। मेरी नमिंग हो गई है, इसके बाद जो है इनका है, फिर उसके बाद हम डॉक्टर के पास जाएंगे कल। अच्छा एक लग रहे इन्हीं का ही ब्लड निकल के और यही जो है ब्लड इनके सर में इंजेक्ट करेंगे। ओ सेटिस्फाइंग, इतनी खुशी हो रही है, मेरा खून निकल रहा है देख के। काम में यही होता है और तो का। मुझे ना सुकून और तसल्ली मिल रही है ये देख के, जितना जितना आपने मेरा जीना नाम किया है ना, बड़ी खुशी हो रही है मुझे। एक एक इंजेक्शन लगेगा आपके सर में और मेरे में ना अंदर ही अंदर सुकून वाली फीलिंग है ना, यही मैं बोली, यही तो बोले, एक एक इंजेक्शन की नीडल सर में जाएगी और मेरे दिल में जो है ना एक सुकून की जो है लहर दौड़ जाएगी। ओहो हो हो, क्या क्या हिसाब बराबर किया है उमर आपने, इन्हें भी आने के लिए बुला के मेरे सारे सारे दुख जो है ना वो यहाँ पे आके जो है ना सॉर्ट हो जाएंगे। हर सेशन में जो है ना मेरे को एक एक सुकून मिलेगा। ओहो हो, जो मैं नहीं कर सकी वो उमर ने कर दिया। अम्मी ने नोचे थे मेरा नाम और लगाया। इसे हाथ और रखते ही ना। उन पाले से तो गाढ़ा है, तो गाढ़ा नहीं होना चाहिए। तो इसका भी कोई मसला होता है? ब्लड फ्लो ज्यादा अच्छा नहीं। कितने प्रॉब्लम है आपके अंदर? बाल भी इससे गिरे ना, ब्लड टेंशन नहीं किया अपना कभी। कितने प्रॉब्लम्स है आपको? हाँ एक तो वो ब्लड देने गया था डॉक्टर ने, बोला बेटा भाग जा, तुझे खुद ब्लड की जरूरत है, लेने आ जा, देने मत आ। 13 पॉइंट कुछ था, रिसेंटली टेस्ट करवाया था मैंने, ब्लड पूरा है। कुछ ही बुरा बेटा, मैं डी कम निकला था, कैल्शियम वगैरह। वाइटमिन डी भी कम है, आयरन भी कम है। आयरन भी नहीं, आयरन भी मैंने जब लास्ट टाइम करवाया था ना तो सब मेरा पूरा था, और फिर अभी जब करवाया विटामिन डी तो उसके अंदर विटामिन डी तो आपने बताया ही बोल रहा था। अच्छा मेरे भी गिर रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा वाइटमिन डी की कमी, इन्होंने मुझे ज्यादा टेंशन दे दिया। टेंशन तो चलो इधर के लाते हैं, इनको टेंशन हो गई, ये देखो कितना खुशी का फूल है, टेंशन वाले चेहरे से लिंक टेस्ट करा दो एक बार, वाइटमिन डी इधर करा टेस्ट में। अभी से लगेगी नहीं जलन हो रही है? तो भाई हम दोनों का नमिंग वाला प्रोसीजर हो चुका है, मेरे फेस पर लग गई है, इनके सर पर लग गई है, और अभी जो है हम कल कंसल्टेशन के लिए डॉक्टर के पास जा रहे हैं, उसके बाद जो है वो हम अपना प्रोसीजर स्टार्ट करेंगे, क्योंकि मेरी जो है वो नमिंग प्रॉपर हो चुकी है, मतलब फेस पर लग भी गई है और एब्सॉर्ब हो चुकी है। तो लेट्स गो।
We are here for consultant. इनका दिखा दो भाई, ये रहा। ठीक है, खुश? सब देखेंगे भाई, ये डॉक्टर ने रिकमेंड किए हैं, आप लोग ऐसी खुद से मत ले लीजिएगा। हाँ, पाकिस्तानी आवाम को मुझे पता अच्छे से। ये हमने कंसल्टेशन हमने कर ली डॉक्टर से और हमसे फारिग हो गए, अब अपना ट्रीटमेंट कंटिन्यू करवाएंगे। और जो है वो कुछ प्रॉब्लम्स थी जिनको डिस्कस करना था वो डिस्कस कर ली हैं, और अब जो है उसकी टैबलेट्स भी ले ली हैं। तो लेट्स सी कि एक महीने के बाद क्या रिजल्ट आते हैं, फिर बताऊँगी किस चीज़ की टैबलेट है। तैयार है इंजेक्शन लगवाने के लिए? फील हो रहा है कुछ? नमिंग से जलन हो रही थी ना, यहाँ पे बारी बारी हो रहा है ना। सारे बदले मैं ले लेती हूँ, हाँ, सारे बदले मैं ले रही हूँ। दिल मेरा गार्डन गार्डन हो रहा है। ऐसे सब यही बोलते हैं, है ना, किसी को पता ही नहीं होता कि वो कितना कितना जुल्म कर रहे हैं। ये क्या बात है, मेरी खुशी की कोई इंतहा नहीं है। ये बाल भी नहीं क्या, इसके बाद गिनना शुरू हुआ। तो आप वो करेंगे ना कि उनको परेशान, वो परेशान करें आपको? जी बिल्कुल, आप टेंशन देते हैं फिर होता है। स्लो पॉइजन दे रहे हो। हाँ ऐसा ही है, ऐसा ही है। अब कोई मानता थोड़ी है कि उसकी हरकतें खराब हैं या वो किसी को परेशान कर रहा है। क्या खराब हरकतें? छोड़ें, हाँ आवाम को थोड़ी बताएंगे। बस मुझे खुशी हो रही है, मेरा दिल गार्डन गार्डन हो रहा है। क्या बताऊँ मैं आपको, इसी प्रोसीजर का मैं 2 महीने से इंतजार कर रही हूँ। या आपके विटामिन डी की कमी नहीं होती ना, ये मुझे खुशी पहले नसीब हो जाती। लेकिन मुझे दर्द नहीं होगा, बाद में होगा। अभी नमिंग लगी हुई है। अच्छा, पक्का स्मोकिंग नहीं? नहीं नहीं, डॉक्टर से कभी कुछ छुपाना नहीं चाहिए। नहीं नहीं, स्मोकिंग नहीं करते। अच्छा, मैं वेपिंग करता हूं, वो भी सिर्फ इवेंट्स पे। अच्छा, इवेंट्स पे। जो है वो भी सही नहीं है वैसे, लेकिन वो ज्यादा स्मोकिंग इवेंट्स के ऊपर जैसे कहीं आना जाना हुआ महीने में 2-3 बार बस, वो भी कंटीन्यूअसली नहीं। ना स्मोकिंग है ना छालिया है, कोई भी खराब चीज नहीं है। खाना भी नहीं खाते, बड़ी मुश्किलों से खाते हैं। हवा पे जिंदा है। तो खाना पीना तो अच्छा करना है ना। ओहो, ब्लड आ रहा है। ये आएगा, आ रहा है, इसका मतलब अंदर तक प्रॉपर है वो। तो कैसे लोग हैं, ऐसा होना चाहिए, आपको तो रोना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? होना चाहिए था, रोना चाहिए था। शर्म नहीं आ रही ज़्यादा सही? बिल्कुल भी नहीं आ रही, अंदर एक्टिंग ही कर लेता एक्टर या कुछ तो सबूत दे। देखें उधर पैसे मिलते हैं, इधर किस बात की एक्टिंग करूं, कौन से पैसे मिलते हैं? नहीं, ये एक्टिंग में नहीं है। इनकी जिंदगी, इनकी जिंदगी में एक रियल लाइफ ड्रामा चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी डॉक्टर दुआ। आज हमारे साथ नैनसुक हैं और मैं उनका GSH-1000 कर रही हूँ। GSH-1000 में बेसिकली हमारे पास ग्लूटाथायोन एंड विटामिन सी का कॉकटेल होता है, विच इज़ रियली गुड फॉर हाइपोपिगमेंटेशन, डार्क स्पॉट्स, एक्ने स्पॉट्स एंड मिलाज्मा टू। वो आपकी जो अनइवन स्किन टोन हुई हुई होती है उसको इवन टोन करता है, और मिलाज्मा जो कि लाइक सन एक्सपोजर की वजह से या फिर किसी भी लाइक, क्योंकि आजकल हमारा जो सनब्लॉक का यूज़ है वो बहुत हद तक कम है, तो उस वजह से जो होता है वो उसको काफ़ी हद तक कम करता है। तो यू गाइस कैन कम एंड बुक योर अपॉइंटमेंट्स। थैंक यू।
ये है नैन तो देसी मंजन करते हैं। चल रही होती है ना, मेरा फॉलोअप हमारे पास तकरीबन 100-150 डेली बेसिस पे आ रहा है। सुबह मुंह धो के निकलते हैं, रात में आके तो हम क्या करते हैं, देख लो भाई ये खूबसूरती का राज है। ऐसे तो मैं ही अंदा हूँ, तुम लोग बताओ क्या ये क्या है, तुम लोग के हैं लोग देखो इतनी मेहनत करवा रहे हैं अपने मुँह के ऊपर। अरे देखा मैं सुबह मुँह धो के जाते हैं, रात में आके वो धोते हैं वापस। नैन्सो ये आज गलती से मेरे साथ आ गई हैं। इनका रोस्ट तो बनता है। मेरा पूरा प्लान था कि इन्हें दर्द हो, लेकिन इन्हें हुआ नहीं। अब मैं दुआ कर रही हूँ कि हो। अम्मी ने सॉल्टर तैयार करा है। अम्मी ने सॉल्टर तैयार किया। अच्छा खैर हम दोनों के ट्रीटमेंट हो चुके हैं, अब हम जो है वो चलते हैं और दवाइयों का पूछ लेते हैं, है ना, टैबलेट्स का पूछ लेते हैं। चलो ये जो है ये बिल बना है, ठीक है, दवाइयों का। अब मैं इनसे कह रही हूँ कि मुझे डिस्काउंट चाहिए, मैं गरीब बंदी, मैं कहाँ से इतने पैसे लेकर आऊँगी, है ना। मजाक कर रही हूँ, दवाई ले लेते हैं हम लोग अपने, क्योंकि जरूरी है ना, जाहिर सी बात इंसान को अपने ऊपर तो तवज्जो देनी पड़ती ही है। तो खैर दवाइयाँ ले रहे हैं और जो है इसके बाद घर चलो। वैसे मेरे आप गुलाब जामुन खिला रहे थे? नहीं, वैसे मेरे नाना अमीर थे। अच्छा गुलाब जामुन खिला रहे थे आप मुझे? नहीं कोई नहीं यार, मना करा उन्होंने, फिर ट्रीटमेंट के बाद मुनी चला रहा। अच्छा आप जब मुझे व्लॉग में कह रहे थे ना कि खूबसूरती का राज है ये वो ट्रीटमेंट, उनको गोरा नहीं करता मैं, वाइटनिंग ट्रीटमेंट नहीं ले रही हूँ, ठीक है। मैं बहुत ज़्यादा लाइट फेस करती हूँ जिसकी वजह से मेरी स्किन पर पिगमेंटेशन हो जाती है, उसके लिए है वो, ठीक है। और दूसरा ये कि आप जो मुझे कह रहे थे ना, आप खुद भी अपने गंजपन का इलाज करवाना है, तो जरा ना तमीज से रहे मेरे साथ, समझ आई? ज्यादा ओवर होने की जरूरत नहीं है, ज्यादा ओवर होने की जरूरत नहीं है, समझ आई? मैं ओवर ही हूँ ऐसे। एक और बात कही थी, मुझे याद नहीं आ रही। अरे भाई कवर कर रही है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ कवर कर रही है, और कोई बात नहीं है। अरे यार जाए, मैं बनाई नहीं रही, मैं इनके साथ ब्लॉग बनाई नहीं रही। 85 rupees का डिस्काउंट मिला है, वाह 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 क्या बात है, मैं थैंक यू सो मच, आपने मेरी जो है वो ऊपर इतना बड़ा एहसान किया कि आपने मुझे 85 rupees का डिस्काउंट दिया, थैंक यू सो मच। अरे वो मैं आपको ऐसे ही खिला दूंगी, आप अभी ऑर्डर कर दें, कोई मसला नहीं है, ठीक है। चलो भैया खर्चा हो रहा है बहुत आज, खर्चा करवा लें आप मेरा। मैं तो मना किया था, चलें आपको नवानी मंजन दिला के लाऊं। ये हमारे पैसे, ये तो आपने दिलाए थे। सुने है? ये हमारे पैसे डूबते हुए। मैंने इनको बोला था चल लो भाई, देखो मैं तो जो है ना इतना खर्चे वाला बंदा हो ही नहीं। अच्छा ये मैंने इनको बोला मैं दादी मंजन से मारूंगा। इनको मैंने बोला था चलो मैं साथ नवानी मंजन दिलाऊंगा 150 रुपया। नहीं मानी, हो गया, ये सब करवाते हैं, हो गया, घर चले। नहीं अभी ये तो घर जाने के लिए भी इतना खर्चा कर रहे हैं। मेरे फेस पर रेडनेस जो है ये प्रूफ कर रही है कि मेरी डिटेल्स जो है पूरा प्रॉपर अंदर गई है, तो बहुत अच्छे रिजल्ट की मैं उम्मीद कर रही हूँ, ये मेरा सेकंड सेशन है। तो भाई व्लॉग को हम करते हैं यहाँ पे एंड, और अब हम जा रहे हैं घर, तो क्या कहना चाहेंगे, ये हरकतें करवा लो आप जो बस। मैं ये कहूंगा आप लोग अपना ध्यान रहे हैं, ध्यान रहे हैं, सतर्क रहे हैं, क्राइम पेट्रोल नहीं चल रहा है, अच्छा पेट्रोल नहीं चल रहा है, नहीं चल रहा है। अच्छा खैर व्लॉग यहाँ पे एंड करते हैं, और जो है वो नेक्स्ट वीक मेरा लेज़र और एक और ट्रीटमेंट है जो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, जैसे आज मैंने PRP का नया ट्रीटमेंट था वो दिखाया। तो जो है जब तक कि अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़। नहीं नहीं तो जिसमें देखने को मिलते रहेंगे आपको।